11,123 फीट अबो सी लेवल है। फिर हम लोग अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में डालेंगे एंड फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वेदर दिस इज एक्चुअली अ मैग्नेटिक हिल। आई एम वेरी एक्साइटेड ऑलवेज टू आस्क पीपल जो ट्रैवल करते उनका क्या इंस्पिरेशन है एंड व्हाई आर दे एक्चुअली ट्रैवलिंग। इस तरफ अगर आप देखोगे तो पूरा न्यूट्रल, ब्रेक से मैंने पैर अभी क्लच हटा दिया, अभी ब्रेक पे सिर्फ पैर है, ब्रेक से मैंने पैर हटाया और ये गाड़ी चल रही आगे। स्वागत है आपका ऑल इंडिया रोड ट्रिप के डे नंबर 19 में एंड टुडे वी आर गोइंग टू शो यू अ वेरी यूनिक रोड जो है लेह से 30 किलोमीटर दूर, उसे कहते हैं मैग्नेटिक हिल। थोड़ा सा डिटेल्स बता देती हूँ कि आपकी गाड़ी अगर न्यूट्रल में आप रखो खड़े तो ऑटोमेटिकली हिल पे चढ़ती है ऊपर, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी एक्सेलरेशन के। ये जो है ये देखने कई सारे कंट्रीज से लोग आते हैं हमारे इंडिया में ये देखने के लिए। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन है जो हम आपको वहाँ पे जाके बताएंगे। क्या साइंटिफिक रीजन एक्चुअली वो माही बताएगी आपको, क्योंकि देखो मैग्नेटिक हिल है मतलब बहुत ज्यादा पसंद है साइंस। आई नो आई लव फिजिक्स। जो लोग है ना उन्होंने कहा था कि मैग्नेट का एक फोर्स है जिसके वजह से वो होता है, या ग्रेविटेशन है जो वहाँ पे वर्क नहीं करता, इस वजह से गाड़ी ऊपर चढ़ रही है बिना किसी फोर्स से। तो लेट्स गो एंड चेक आउट एग्जैक्टली क्या है और हम थोड़ा रिसर्च करेंगे ना आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या ये सच है या फिर ये झूठ है। कल तक पूरा माउंटेन जो है ना वो एकदम माउंटेन पूरा एकदम सूखा सूखा लग रहा था, पूरा प्लेन। हम कल रात को ही आए ना पूरे माउंटेन्स पे से, तभी ठंड लग रही थी। राहुल तो ऑक्सीजन भी यूज कर रहा था, ही वाज नॉट फीलिंग दैट गुड ऑन खरदुंगला पास। सो आई थिंक ये खरदुंगला ही है और वहाँ पे इतना बर्फ गिरा, बाकी कोई माउंटेन्स पे नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई माउंटेन्स पे नहीं है। सो फाइनली वी आर एट द मैग्नेटिक हिल। अगर आप देखोगे ये एल्टीट्यूड कुछ 11123 मतलब 11,123 फीट अबो सी लेवल है। जो वो स्टॉप का साइन लिखा है जहाँ पे वो भाई खड़ा है, वहां से जो है हमें गाड़ी को यू नो न्यूट्रल मोड में डालना है एंड फिर वो आप देखोगे तो ऐसे ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाते हैं एंड फिर हम लोग अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में डालेंगे एंड फिर उसके बाद जो है हम लोग चेक करेंगे कि वेदर दिस इज एक्चुअली अ मैग्नेटिक हिल या फिर इसको लोगों ने ऐसे बना दिया है बोल बोल के कि हाँ यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट है। तो लोग आते हैं यहाँ पे। और ये एक चीज और मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे ना थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखोगे तो वो पूरा स्लोप है डाउनवर्ड्स। तो अगर आप यहाँ पे आके कभी भी ऐसे वीडियोज और फोटोज लेने जा रहे हो तो मेक श्योर आप दोनों साइड देख लो पहले कि गाड़ियां कहाँ पे। अभी देखो एक गाड़ी निकली, तो आप मेक श्योर करो कि कंफर्म कर लो कि हाँ गाड़ियां उधर से इधर से नहीं आ रही, उसके बाद ही आप जाके अपनी गाड़ी लगाओ वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम ऑल सेट एंड आप देख सकते हो मेरी गाड़ी न्यूट्रल में है, मैंने अभी तक ब्रेक पे पैर रखा हुआ है एंड अब टाइम आ चुका है। यहाँ पे स्टॉप का साइन है जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ा किया हुआ है, आप देख सकते हो ये इस तरफ अगर आप देखोगे तो पूरा न्यूट्रल, ब्रेक से मैंने पैर अभी क्लच हटा दिया, अभी ब्रेक पे सिर्फ पैर है, ब्रेक से मैंने पैर हटाया और ये गाड़ी चल रही आगे। और ये देखो ये स्लो ये चलने लगी, मुझे लग रहा स्लो जा रही है, काफी फास्ट जा रही है भाई। ये है यहाँ का जादू, ये मैग्नेटिक हिल का जादू। गाड़ी अपने आप जा रही है ऊपर, ये 17 की स्पीड हो गई है देखो, 18 19, अरे बाप रे 20 20 की स्पीड हो गई। अब ये जो पोर्शन है ना जहाँ पे गाड़ी खड़ी, यहाँ से स्लोप स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ तक गाड़ी जो है वो ऊपर आ रही थी, अब यहाँ से स्लोप स्टार्ट होगा। तो ये तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे तो गाड़ी का स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ये देखो बढ़ गया, देखो बढ़ गया, पूरा स्पीड बढ़ गया, 37 39 40 42। तो ये अभी यहाँ से पूरा स्लोप है, देखो पूरा स्लोप ही स्लोप है। यहाँ स्लो लिखा हुआ है ना, ये ऊपर का साइड है, मतलब उधर से ऐसे ऊपर आए हम लोग और इधर से ऊपर है। तो ये जो है पोर्शन जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो बीच का पॉइंट है, तो मतलब ये ऊपर की तरफ हम लोग चढ़ के आ रहे थे जो कि ऑटोमेटिक न्यूट्रल में गाड़ी चल रही थी। और आप देख रहे हो ये प्लेन है, ये प्लेन है, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि अपहिल है, पर ये प्लेन है ना पूरा। तो फिर कैसे गाड़ी आई यहाँ पे, अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ चलना, फिर मैं रीजन बताती हूँ। तो हमने 2-3 बार और 2-3 एंगल से एक्सपेरिमेंट करके देखा और मुझे पता चला ये जो एंगल है वो सबसे बेस्ट है। आप देख लो मैं कहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पे एक टॉयलेट बना हुआ है, यहाँ से सबसे बेस्ट एंगल आ रहा है और ऐसा लग रहा है मतलब कि गाड़ी जो है वो ऊपर चढ़ के आ रही है स्लोप से। अब मैं बताती हूँ ये सच में जो है वो अपहिल है या नहीं। मैं मैग्नेटिक हिल की सच्चाई बताने जा रही थी और जोर से हवा आने लगी है, हम सब बिल्कुल उड़ने वाले हैं, बचाओ। मैग्नेटिक हिल का राज खोल जा रही थी, अबे मेरा बाल फंस गया, अरे बाल फंस गया।
तो फाइनली समय आ गया है ये जो जादुई मैग्नेटिक हिल है इसकी असलियत आपको बताने का। कम विथ मी। तो दिस इज द कार और हम लोग यहाँ से जो गाड़ी है वो अप हिल जाती है, हमने वहां से शूट किया था, आपको बताया था। बट आप अगर गौर से देखोगे इट इज नॉट अप हिल, इट इज डाउन हिल यार। इसीलिए गाड़ी अगर खड़ी भी है न्यूट्रल मोड में तो वो अपने आप नीचे जा रही है बिकॉज ग्रेविटी। बट जबकि जब ये जगह फेमस हुई थी इतने वीडियोस मैंने देखे थे कि दैट दिस प्लेस डिफाइज ग्रेविटी, दिस प्लेस हैज अ मैग्नेटिक फोर्स दैट पुल्स द कार एंड ऑल दैट। बट मुझे लगा भी शायद हो सकता है इतने अल्टीट्यूड पे है कुछ ऐसा हो भी सकता है, सच में क्या भरोसा जब इतनी फेमस है ये जगह और इसको बना भी दिया है टूरिस्ट स्पॉट। आपको दिखेगा यहाँ पे इतना सारा शॉप्स है, इतना सारा एडवेंचर भी है बाजू में। सो नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज डाउन हिल। अब ये लेकिन ऐसा क्यों दिख रहा है वीडियो में, जब हम वहां से वीडियो लेते ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये अप हिल आ रही है? इट्स सिंपली इल्यूजन, अपनी जो आईज है वो ट्रिक हो जाती है। बिकॉज ये जो लैंडस्केप है ना वो इस तरह से बना गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी ऊपर जा रही है। आप देख रहे होगे वीडियो में कि मैं अगर वहां से नीचे के एंगल से ले रही थी वीडियो और न्यूट्रल मोड पे राहुल चला रहा था गाड़ी, इट वॉज लुकिंग लाइक द गाड़ी इज गोइंग अप हिल। बट इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन क्योंकि ये जो लैंडस्केप है ये साइड का ये बैकग्राउंड में दिखता है और यहाँ ना कोई झाड़ है ना कोई बिल्डिंग है जिससे हमें समझ आ सके कि कैसे इसका स्लोप या कैसा इसका एंगल है। सो बस इतना सिंपल सा रीजन है, इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। लेकिन एक बात तो मानने वाली है, दिस इज क्वाइट फैसिनेटिंग, मतलब हमारी आंखों को हमारे ही सामने धोखा हो रहा है और हमें पता तक नहीं चल रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि कौन सा वो बंदा होगा जिसने पहली बार ये फिगर आउट किया होगा ये जगह को कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो रहा है या दिख रहा है। सो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग, तो ये देखने जरूर आना। मतलब ये एंगल मैंने आपको बता दिया ना, वो टॉयलेट जो है ना वहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया, वहाँ मेरे पीछे टॉयलेट था, वहां से अगर आप वीडियो लेते हो तो ही आपको इल्यूजन दिखने वाला है। जबकि आप यहाँ से जब स्टार्ट करने वाली जगह से जाओगे दिस इज अ डाउन हिल, सी नीचे जा रही है। सो गाइस मैग्नेटिक हिल पे हमें मिले ये सर, एक बैंकर है एंड ही इज ट्रैवलिंग, ही आल्सो लाइक्स ट्रैवलिंग और हमें ऐसे ट्रैवलर्स से मिलना बहुत पसंद है। सो मुझे थोड़ी सी स्टोरी जाननी है, आई एम वेरी एक्साइटेड ऑलवेज टू आस्क पीपल जो ट्रैवल करते उनका क्या इंस्पिरेशन है एंड व्हाई आर दे एक्चुअली ट्रैवलिंग। सो ग्रेट मीटिंग यू गाइस एंड आई एम एंटो, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंगलोर राइट नाउ। सो व्हेन आई स्टार्ट माय जर्नी फ्रॉम चेन्नई आई थिंक आई वांटेड टू डू दिस लेफ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो लास्ट ईयर वी डिड अ ट्रिप ऑफ द एंटायर ईस्टर्न बेल्ट, सो राइट नाउ आई वांटेड टू डू द सेंट्रल बेल्ट। So that's where it is. So inspiration is always, you know, meet new cultures. You know, every place in India has got different cultures. You turn a street and you find something very, very new and distinct. True. I don't think there's anything much more beautiful than that. And of course, the landscapes, the people, the, you know, the culture, all that. That's absolutely the food. Yes. So you come north and you get amazing non-veg and veg food. So I think. And how long have you been traveling? Always, I think last 10 years at least, I've been doing full-fledged traveling. So I was predominantly doing entire south and now we started entire north. So after this, I'm going to Sikkim. So that's my next destination. All the best. All right. Thank you so much. Fantastic nice meeting you guys. I wish you all the very, very best. Thank you. यार हमने मैग्नेटिक हिल किया, फिर उसके बाद में आके ना हम ले मार्केट में यहाँ के म्यूजिक और यहाँ के वाइब को एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा खाना वाना खाया। और सच बोलूँ आज तक का जो भी ऐसा मार्केट होता है ना, हर जैसा मनाली में हो गया, मॉल रोड या मसूरी में हो गया, हम जहाँ भी गए दिस वॉज द बेस्ट वन। एंड लकीली वी आर ऑफ सीजन ईयर तो कोई है नहीं, गर्दी नहीं है और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें इधर बेच रहे हैं लोग और इतने सारे मतलब इतने कम लोग हैं और खाने का इतना सारा जगह है। आपको ना एक बेकरी बताते हैं हम लोग है राहुल, हम लोग ने होटल से नीचे आए और रास्ते में जो गली गली है ना वहाँ पे से आ रहे थे वॉक करने टू ईट एट अ रेस्टोरेंट और हमने देखा लाइव बेकरी में कैसे नान बन रहा था।
तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है बिल्कुल, तो और ना मैंने कहीं और देखा है, कश्मीर में कहीं कहीं देखा है बट अंदर नहीं, यहाँ पे एकदम लाइव देख सकते, तो हम आपको वो दिखाते। तो यार यहाँ की वाइब मुझे सच में इतनी अच्छी लग रही है ना यार, मैं क्या बताऊँ। मैं पहले क्यों नहीं आई, ले आने के बाद हम ऑलमोस्ट हमेशा बस एडिटिंग में लगे थे, विच इज़ बैड बट लकी ले, एटलीस्ट निकलने के पहले हम एक दिन पहले यहाँ घूम रहे और इतना अच्छा लग रहा है ना वाइब में, क्या बताऊँ। ये देखो कोई है नहीं, ज़्यादा गद्दी है नहीं, सिर्फ हम हैं, शॉप्स शॉप्स एंड आगे बेकरी शॉप। भैया ये क्या है, ये कुलचा लाइक ए बिस्किट, वो नान, सो इट्स दर बिस्किट और नान है, नान की बहुत सारी बेकरीज एक ये है, देन देयर इज दिस वन, ऐसी लाइन से काफ़ी सारी है। और ये है यहाँ का फेमस ले पैलेस जो हमारे होटल से लिटरली सामने है, पर इसको इतना ऊपर चढ़ के जाना है, और अभी हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ की वाइब इंजॉय कर रहे हैं तो हम ऊपर नहीं जाएंगे।